हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो है जियो F271i का वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हो। फ्रेंड, मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने जो है जियो F271i में लगभग चार से पाँच डिस्प्ले जो मैंने इस पर लगा के देखा, फिर भी जो है वाइट ही डिस्प्ले आ रहा था। इसका क्या सलूशन है फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारा कुछ किस तरह से सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा। और फ्रेंड, जो इसका सलूशन है काफ़ी आसान से, आप लोगों ने कोई भी जम्पर वगैरह नहीं करना है, बस आप लोगों ने क्या करना है कुछ चीज़ें हैं कैपेसिटर और ये सब जो है हमारे, उनको जो है आप लोगों ने कुछ निकालना है एक दो ठों को, और उनके उसके बाद जो उनके पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों ने शॉर्ट करना है। इस तरह से आप लोगों ने करना है, उसके बाद जो है आपकी डिस्प्ले आ जाएगा वाइट डिस्प्ले से, आप लोगों का सोल्यूशन जो है हो जाएगा। सो बहुत इजी है फ्रेंड, आप लोग सारा कुछ बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा जो है जियो F271i, ठीक है ना, लाइफ F271i। इसका हमारे पास जो है हमने इसमें न्यू डिस्प्ले भी लगा लिए हैं, उसके बाद भी जो है इस पर वाइट डिस्प्ले दिखा रहा है। मैंने इसमें चार पांच डिस्प्ले जो है लगा के चेक कर लिए हूँ, उसके बाद भी जो वाइट ही वाइट हमको आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा फ्रेंड, मैं आप लोग मोबाइल चालू करके दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से जो हमको यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे मशीन से चालू करके दिखाता हूँ आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने प्लग कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं सिंपली रेड बटन दबाऊंगा और यहाँ पे हमारा मोबाइल जो है वाइब्रेट कर दिया। उसके बाद देख सकते हो इस तरह से वाइट डिस्प्ले आ चुका है हमारा, बस ऐसे ही दिखा रहा है। कितने भी हम डिस्प्ले इस पर चेंज कर डालें उसके बाद भी जो है हमको वाइट ही डिस्प्ले शो कर रहा है। तो इसका बहुत सिंपल सा इवेंट, आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल को आप लोगों को निकाल लेना है, उसके बाद जो जहाँ पर आप लोगों का मॉडल नंबर लिखा रहता है उस प्लेट को आप लोगों ने निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग निकाल के दिखा देता हूँ, एक कॉर्नर से आप लोगों ने पकड़ना है, बहुत आसानी से निकल जाती है ये। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे जो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखा हूँ, सो निकलने से पहले की फोटोज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किन किन चीज़ों का पार्ट्स जो है आप लोगों निकालना है। सो यहाँ पे आप लोगों दो ब्लैक वाला और एक ब्राउन वाला दिखेगा, तो मैं आप लोगों को एक फोटो के जरिए दिखाता हूँ उनको जो है किस तरह से निकालना है और किस तरह जो है सोल्डर इसको करना है। ऊपर करो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने यहाँ पे कुछ जो है रेजिस्टर और कैपेसिटर को निकाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओ, मैं एकदम आसान भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड एरिया में जो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया हूँ, जहाँ पे आप देख पाओ कि मैंने जो रेड कलर पर हाईलाइट किया हूँ वहाँ पर आप लोगों दो ब्लैक कलर वाले दिख रहे होंगे, जिसमें से मैंने जो लेफ्ट वाला ब्लैक कलर का है उसको मैंने हाईलाइट किया हूँ, और उसके साथ ही एक जो आप लोगों दिख रहा होगा ब्राउन कलर का। सो आप लोगों ने क्या करना है, जो ब्लैक वाला लेफ्ट साइड का है उसको निकाल देना है, और जो ब्राउन वाला दिख रहा है हाईलाइटेड एरिया में रेड कलर के एरिया के बीच में जो आप लोग दिख रहे हैं उस ब्राउन वाले को निकाल देना है, और एक निकाल देना है ब्लैक वाला लेफ्ट साइड का, ठीक है ना। इन दोनों को आप लोग निकाल देना है। निकाल देने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा फ्रेंड, जो अपना जो ब्लैक वाला एक निकाले आपने उसके जो ऊपर के पॉइंट है इसको निकालने के बाद आप लोगों ने दो पॉइंट देखने को मिलेंगे इसके दो पॉइंट्स, तो उसका आप लोगों ने क्या करना है, जो आईसी वाला सिरा के पास है जो पॉइंट आप लोगों का, मतलब ऊपर वाला पॉइंट जो होगा आपका, ठीक है ना, उस पॉइंट से आप लोगों ने क्या करना है, जो उसके राइट साइड वाला जो आप लोग ब्लैक कलर का दिख रहे हैं, तो मतलब उन दोनों सिरे को आप लोगों ने जोड़ देना है। दोनों के ऊपर ऊपर वाले जो सिरे होंगे उनको आप लोगों ने जोड़ देना है, हालांकि आप लोगों ने निकालना है एक का, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिए, आप लोगों ने निकालना है एक ब्लैक। तो हमको ये दोनों पार्ट्स को ही निकालना होगा, एक ब्राउन वाला और एक लेफ्ट साइड का ब्लैक वाला। और जब आप लेफ्ट साइड का ब्लैक वाला निकाल लोगे तो उसके जो ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे, ऊपर का जो पॉइंट होगा उसको जो है आप लोगों ने कतिल का यूज़ करके जो उसका जो राइट साइड वाला जो कैप ब्लैक वाला है उसके ही ऊपर वाले पॉइंट से जो है इनको दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने करना है, कतिल का यूज़ करके उन दोनों को जो है मिला देना है, और उसके बाद जब आप चेक करोगे अपना मोबाइल डिस्प्ले लगा के, मतलब बैटरी लगा के वापस चालू करोगे, तो आप लोगों डिस्प्ले आ जाएगा। किस तरह से जो इसको आप लोगों ने जोड़ना है वो आप लोग मैं वीडियो की छोटी सी क्लिप में जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड मैं जो आप लोगों को फोकस करके दिखा देता हूँ, मैंने उन दोनों पार्ट्स को निकाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकोगे इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, मैंने एक ब्लैक वाला निकाल दिया हूँ और जो ब्राउन वाला था उसको भी एक जो है निकाल दिया हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर वाला ब्लैक वाला जो एक निकला हुआ है उसके दो पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है आप लोगों ने उसको जो है उसी के राइट साइड वाला जो है ब्लैक वाला उसी के ऊपरी हिस्से से आप लोगों ने इसको जोड़ देना है कतिल का यूज़ करके। सो इसको आप लोगों मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर हम करेंगे। सो बहुत सिंपल सा फ्रेंड, मैंने आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं आप लोगों को जूम करके, ये मैंने इस तरह से जो है इसको जोड़ दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कतिल का यूज़ करके जो अपना ब्लैक वाला निकला था उसके ऊपरी हिस्से को मैंने उसके राइट साइड वाले जो ब्लैक वाला है उसके हिस्से से मैंने जो इसको जोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये आप इस तरह से जो इसी को आप लोगों ने सिंपली करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपना मोबाइल चालू करके दिखाऊंगा फ्रेंड, डिस्प्ले लगा हुआ है और अपना मोबाइल जो 100% चालू हो जाएगा फ्रेंड। आप लोगों मैं फोटो भी दिखा दिया हूँ किन किन पार्ट्स को निकाल किस तरह से शॉर्ट करना है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा और काफ़ी इजी है फ्रेंड। देख सकते हो डिस्प्ले आ चुका है, और अगर आपको विश्वास नहीं होता है वीडियो फेक है तो आप एक बार करके देखिए, और जब भी आप इसको जो शॉर्ट हमने जो किए हैं पॉइंट्स को कतिल का यूज़ करके उनको जब जब हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो आप लोग फिर से डिस्प्ले जो है वाइट शो करने लगेगा। तो इस तरह से जो है प्रूफ हो जाता है फ्रेंड, काफ़ी वर्किंग ट्रिक है फ्रेंड। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।